है ही, लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, कोई भी काम कर रहे हो ही नहीं पा रहा है, अटक जा रहा है, 2 साल 3 साल 4 साल से बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा हूँ पर हो ही नहीं पा रहा है यार, करूँ तो क्या करूँ, सबके साथ है, बहुतों के साथ ही है, बात भी सच है, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फिर फाइनली डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, भाई साहब डिप्रेस्ड है हम, कुछ कर दो हमारा। यार आपने कभी बांस का पेड़ देखा है? हाँ, लंबा वाला बांस का पेड़। होता क्या है ना कि जब बांस का, मान लो आपने सीड डाला, जो बांस का सीड होता है बांस के पेड़ का, डाला आपने, हर दिन पानी दे रहे हो आप, 6 महीना देखा कुछ नहीं आया बाहर, 1 साल देखा कुछ बाहर नहीं आया, 2 साल हो गए बाहर कुछ नहीं आया, 3 साल 4 साल 5 साल बाहर कुछ नहीं आया, हर दिन आप पानी दे रहे हो पर कुछ नहीं आया, मौसमें बदल गई पर कुछ नहीं आया, अचानक से 6 महीने में क्या दिखता है कि ये बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ हो गए बांस के, 100 फुट के। तो 100 फुट के पेड़ कैसे हो गए भाई अचानक से? तो 5 साल हमने पानी डाला, 5 साल में कुछ नहीं आया, फिर अचानक 100 फुट के पेड़। तो वो जो रूट होता है ना बांस का रूट, वो 5 साल से अपनी स्ट्रेंथ बना रहा था सॉइल के साथ, मट्टी के साथ अपनी स्ट्रेंथ बना रहा था, वो जमा रहा था क्योंकि उसने 100 फुट ऊंचा जाना था। 100 फुट की बांस की पेड़ होती है ना भाई, बांस तो होते हैं ना उतने लंबे लंबे, तो वो अपनी स्ट्रेंथ बना रहा था, वो जमा रहा था अपनी जड़ों को, तब जाके उसने 100 फुट जाना होता है ऊपर, तो वो फिर उस हिसाब से अपनी जड़ों को जमा रहा था। सेम आपके साथ है दूर, आपने जो भी फेल्योर्स देखे, आपने जो भी एक्सपीरियंस करा, जो भी हार्डवर्क कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो आप अपनी एक एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो ताकि उस परफेक्शन वाले मुकाम पे आप पहुंच सको और पहुंचोगे। बहुत सारे एग्जांपल है यार हमारे पास, आप जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाओगे, जिस दिन आप कैपेबल हो जाओगे उस मट्टी को पकड़ने, पूरी तरह से पकड़ के रखने की और 100 फुट ऊपर जाने की, आप खुद ही राइज कर जाओगे। जिस दिन आपकी एक्सपीरियंस्ड उतनी हो जाएगी, जिस दिन आप कैपेबल हो जाओगे, सबके साथ है। देयर इज नथिंग लाइक कि भगवान अगर कुछ वैसा लिखा होगा तो होगा, किस्मत में नहीं था, नथिंग लाइक दैट। हार्डवर्क चाहिए ही चाहिए। वॉल्ट डिज्नी हर जगह से रिजेक्टेड, बंदे के पास सोने की जगह नहीं थी, तो वो फिर चूहा वाले, जो चूहा वाला जगह होता है ना, वो सब एक गोडाउन, उसमें जाके सोता था। चूहा को देखा, एक अचानक से आइडिया आया, हर जगह से रिजेक्ट हो चुका था बंदा, तो उसने मिक्की माउस बना दिया। आज के टाइम में पूरी वर्ल्ड जानती है उस सीरीज को, उस एपिसोड को। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो आप भी जानते हो यार। ऑल यू नीड टू जस्ट एक करते रहो, मतलब जिस दिन तुम्हारा रूट पकड़ लेगा ना मट्टी को जबरदस्त तरीके से, यू विल राइज एंड यू हैव टू राइज, आपने करना ही है। और दूसरी बात क्या है ना कि एक और कारण है कि यार जबरदस्ती वाला काम हम लोग करते हैं, जैसे कि हमने ये काम करना नहीं होता है, लाइक कि आप ड्राइवर हो हैं, लेकिन आपको पेंटिंग में बड़ा मजा आता है, तो आपने ड्राइवर बना दिया भाई कि हाँ चलो मैं आपके यहाँ ड्राइवर हूँ। अब आप गाड़ी ठोकते चल रहे हो क्योंकि आपको मजा ही नहीं आ रहा है उस काम में, मन ही नहीं लग रहा है, और वही आप पेंटिंग करने लगो तो फिर आप अच्छी अच्छी पेंटिंग बना रहे हो। यार निकालो, एग्जीबिशन में निकालो, यार सोशल मीडिया ऐप साइट्स इतनी है उस पर डालो, यू विल बी फेमस, यू विल बी जस्ट चार्ज्ड, तुम चार्ज करोगे उसके लिए। जिस काम में मजा आए प्रोफेशन उसी को बनाओ, सीधी बात, जो तुम्हारी हॉबी है उसको प्रोफेशन बनाओ, मज़ा भी आएगा, अपना क्रिएटिविटी भी उसमें लाओ डालोगे, और वो जो हार्डवर्क करोगे ना उसमें, वो हार्डवर्क पता ही नहीं लगेगा तुम्हें कि तुम हार्डवर्क कर रहे हो, तुम्हें लगेगा अरे यार मज़ा तो आ रहा है यार, कम से कम सुकून तो मिल रहा है ना भाई साहब, पैसे नहीं मिल रहे, सुकून तो मिल रहा है ना, और थोड़े बहुत पैसे इधर उधर से आ ही जाएंगे, जिंदगी कट जाएगी, और वो कटेगी नहीं, आप इतना लेवल पे राइज करोगे ना क्योंकि आप उस काम में माहिर हो। तो जो आपकी हॉबीज हो उसको प्रोफेशन बनाओ, मजा आ जाएगा, ट्रस्ट मी मजा आ जाएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम मिस्टर खुशी, थैंक यू।